हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है देशांतर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, देशांतर विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। इन्हें मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड अथवा लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। सभी देशांतर रेखाएं लगभग भूमध्य रेखा जितनी लंबी होती है और वृहत वृत्त कहलाती है। देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम यानी 111.3 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर न्यूनतम यानी 0 किलोमीटर होती है। मध्य में अर्थात 45 डिग्री अक्षांश पर यह 79 किलोमीटर होती है। जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है उसे प्रधान मध्यायन रेखा यानी प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं। वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुई अंतर्राष्ट्रीय बैठक में इंग्लैंड में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला यानी रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्यायन माना गया और इसे ग्रीनविच मध्यायन यानी ग्रीनविच मेरिडियन का नाम दिया गया। इस समय ग्रीनविच मध्यायन को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। प्रधान मध्यायन को 0 डिग्री मानकर इसके पूर्व तथा पश्चिम में 180 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची जाती है। इस प्रकार पूर्ण गोलाकार पृथ्वी पर कुल 360 डिग्री देशांतर होते हैं। जो देशांतर रेखाएं प्रधान मध्यायन के पूर्व में खींची जाती है उन्हें पूर्वी देशांतर, जो देशांतर रेखाएं प्रधान मध्यायन से पश्चिम में खींची जाती है उन्हें पश्चिमी देशांतर कहते हैं। 180 डिग्री पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही है। यह प्रधान मध्यायन के विपरीत दिशा में होती है। प्रधान मध्यायन अर्थात ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की पूर्व अथवा पश्चिम की ओर कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। याद रखिएगा, देशांतर तथा समय का संबंध, देशांतर तथा समय का संबंध पृथ्वी के क्या होता है, पृथ्वी के अक्ष पर उसके घूर्णन के कारण है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है और इस प्रक्रिया में 360 डिग्री घूम जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी एक घंटे में कितना 15 डिग्री घूम जाती है यानी 360 बटा 24। इसको आप कटाइएगा तो 15 डिग्री आएगा। तो पृथ्वी जो है पूरा घूमने में 24 घंटे में यानी जो पूरा घूमता है 360 डिग्री 24 घंटे में, इसलिए एक घंटे में 360 डिग्री बटा 24 बराबर 15 डिग्री। एक घंटे में ये 15 डिग्री घूम जाती है। यदि दो स्थान एक दूसरे के 15 डिग्री पूर्व अथवा पश्चिम में है तो उनके समय में एक घंटे का अंतर होगा और जिन स्थानों के देशांतर में एक डिग्री का अंतर है उनके समय में 4 मिनट का अंतर होगा। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम ग्रीनविच के पूर्व में समय की गणना करते हैं तो 180 डिग्री पूर्व पर समय 12 घंटे आगे होता है और इसी प्रकार ग्रीनविच के पश्चिम जाने पर 180 डिग्री पश्चिमी पर जो है समय 12 घंटे पीछे होता है। 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर दो अलग अलग तिथियां पाई जाती है। जब इस रेखा से पूर्व की ओर जाते हैं तो एक दिन कम किया जाता है और इस रेखा से पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन बढ़ाया जाता है। देशांतर रेखाएं यहां पर आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ठीक है ये, और ये आपका जो दिया गया है प्रधान मध्यायन रेखा और ये पश्चिमी देशांतर और ये पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो फिगर को एक बार आप एनालिसिस कर लीजिएगा। विश्व के 360 देशांतरों को 24 टाइम जोनों यानी 15 15 देशांतर अंतराल में विभाजित किया गया है। प्रत्येक टाइम जोन में 1 घंटे का तथा एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है। प्रधान मध्यान रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानक समय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है। प्रधान मध्यान रेखा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव से होकर जो है गुजरती है। ब्रिटेन के अतिरिक्त कुछ ऐसे देश हैं जो जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम से इतर होते हुए भी क्या करते हैं, जीएमटी के मानक समय का ही प्रयोग करते हैं। ये इस प्रकार है।
आइसलैंड, आयरलैंड, पुर्तगाल, कनारी द्वीप समूह जो स्पेन में है, मोरिटानिया, माली, सेनेगल, असेशन द्वीप ब्रिटेन का, गिनी बिसाओ, गिनी, सियरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो, टोगो, गाम्बिया, घाना। देखिए भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा जीएमटी के मध्य 5.5 घंटे का अंतर है। इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी की घोषणा अनुसार भारत में नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण निकोबार द्वीप समूह के कटचल द्वीप, याद रखिएगा। अगर बात करें तो इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी की घोषणा अनुसार भारत में नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण निकोबार द्वीप समूह के कटचल द्वीप पर दिखाई दी। कटचल द्वीप भारत की मुख्य भूमि से लगभग 1600 किलोमीटर और पोर्ट ब्लेयर से जो है 300 किलोमीटर दक्षिण में 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 93-94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसे प्रतिबिंब रेखा होती है जो दो क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 8 स्थानों पर मोड़ दिया जाता है ताकि एक ही स्थान पर तिथि को लेकर मतभेद की स्थिति न रहे। अलास्का के पास मोड़ दिए जाने के रास्ते पर 2 स्थानों के बीच की दूरी घट बढ़ जाती है। अतः ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और भारत के मानक समय के बीच अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर और भारत के मानक समय यानी 82.5 डिग्री के बीच 97.30 देशांतर का अंतर है। याद रखिएगा बेरिंग जलमंडलू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, यह स्थित है। याद रखिएगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। कैसे, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। काहिरा यानी मिस्र की जो स्थिति है 30 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, 31 डिग्री 14 मिनट ईस्ट है। क्योंकि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है और इसकी स्थिति 360 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास बनती है। पृथ्वी गोलाकार होने के कारण 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है और 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए 30 डिग्री देशांतर पर कुल समय 30 × 4 यानी 120 मिनट यानी 2 घंटे, याद रखिएगा। देखिए आपको प्रश्न में या किसी भी पॉइंट को समझने में कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको अच्छे से जो है आपके साथ डील किया जाएगा, आपको अच्छे से समझाया भी जाएगा। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सेकंड प्रश्न है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर या अंश पर बजेंगे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 देशांतर या अंश पर बजेंगे, तो याद रखिएगा 0 डिग्री पूर्वी या पश्चिम पर। यानी इसके बारे में जो दिया गया है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कैसे, तो देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अर्थात भारत का मानक समय पर जब मध्याह्न हो तो 6:30 प्रातः का मतलब है 5 घंटा 30 मिनट का अंतर यानी 5.5 घंटे का अंतर, और 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। इसलिए 5.5 घंटे में 82.5 डिग्री का अंतर अर्थात 82.5 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री बराबर 0 डिग्री देशांतर। थर्ड नंबर, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर होगा। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर होगा कितने का, तो देखिए 6 घंटा यानी बी ऑप्शन। कैसे, देखिए सामान्यतः 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। 90 डिग्री देशांतर के अंतर का अर्थ है 90 × 4 यानी 360 मिनट यानी 6 घंटे, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 4 है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं है, निम्नलिखित में वह कौन सा यामियोतर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं यानी इवनिंग है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यामियोतर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है। 75 डिग्री पूर्वी, याद रखिएगा। प्रश्न अनुसार अगर बात करें तो जब ग्रीनविच में मध्याह्न है तो एक जगह
का स्थानीय समय 5 बजे शाम है, और इसका अर्थ है कि उस स्थान का समय ग्रीनविच के समय से आगे है, अर्थात वह स्थान पूर्व में स्थित है। समय का अंतर 5 घंटे का है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 5 घंटे बराबर 300 मिनट, और 1 अंश बराबर 4, यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, और 4 मिनट बराबर 1 अंश। तो 300 मिनट बराबर क्या होगा? 300 × 1/4 यानी 75 डिग्री। तो याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 है, वह कौन सा देशांतर प्रधान यामी उत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है? वह कौन सा देशांतर प्रधान यामी उत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? सही जवाब है 180 डिग्री, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। प्रधान देशांतर को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह शून्य अंश देशांतर रेखा होती है, इसके ठीक विपरीत 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। 180 डिग्री देशांतर प्रधान यामी उत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करती है। प्रश्न संख्या 6 है, नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक यामी उत्तर यानी मेरिडियंस में दिखाई दी? नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक यामी उत्तर में दिखाई दी? सही जवाब है 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यानी डी ऑप्शन। रॉयल ग्रीनविच लेबोरेटरी की घोषणा अनुसार भारत में नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण निकोबार द्वीप समूह के कटचल द्वीप पर दिखाई दी। कटचल भारत की मुख्य भूमि से लगभग 1600 किलोमीटर और पोर्ट ब्लेयर से 300 किलोमीटर दक्षिण में 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 93 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य अवस्थित है। इसलिए आपका निकटतम विकल्प डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 7 है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का जो आधार होता है वो होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। शून्य अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा किन किन देशों से होकर गुजरती है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव। प्रश्न संख्या 8 है, प्रधान यामी उत्तर नहीं गुजरती है। प्रधान यामी उत्तर नहीं गुजरती है, किस देश से नहीं गुजरती है? तो याद रखिएगा नाइजर से। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रधान यामी उत्तर किन देशों से होकर गुजरती है या किन देशों से होकर नहीं गुजरती, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 9 है, प्रधान यामी उत्तर गुजरती है। प्रधान यामी उत्तर गुजरती है, याद रखिएगा अल्जीरिया से और फ्रांस से, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित स्थानों में से किन का समय जीएमटी के समान है? निम्नलिखित स्थानों में से किन का समय जीएमटी के समान है? तो अकरा, डबलिन और लिस्बन, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए, घाना की राजधानी अकरा, आयरलैंड की राजधानी डबलिन और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन तीनों ही जीएमटी मानक समय का उपयोग करती है। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है, जो 3 डिग्री 43 मिनट पश्चिम देशांतर पर स्थित है, और इसका समय जीएमटी मानक समय के समान नहीं है। 11, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अंतिम नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता? किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किसी एक में घड़ी समय अंतिम नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता, वो है आपका आदिस अबाबा इथोपिया, यानी डी ऑप्शन। लंदन यूके, लिस्बन पुर्तगाल और अकरा घाना का समय समान है, क्योंकि ये तीनों जीएमटी मानक समय का उपयोग करते हैं। इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा लगभग 38 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जिसका समय ग्रीनविच माध्य समय से 2 घंटा 34 मिनट 20 सेकंड आगे है। ग्रीनविच की देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से या तो आगे है या पीछे है, बताइए। तो इसमें पूछा गया है, ग्रीनविच माध्य समय से आगे से पीछे के क्रम के दृष्टि से देशों के मानक समय का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए, क्रम में जो होगा, जापान, जापान के बाद इराक, जापान इराक, इसके बाद आपका जो है ग्रीस यानी यूनान, इसके बाद क्यूबा,
इसके बाद आपका कोस्टारिका, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड से होकर गुजरती है, यहीं से संसार के मानक समय की गणना की जाती है। पूर्वी गोलार्ध का समय आगे तथा पश्चिमी गोलार्ध का समय पीछे रहता है। मानक समय जो दिए गए हैं उपयुक्त देशों का, जापान का +9 घंटे, इराक का 3 घंटा आगे, ग्रीस का 2 घंटा आगे, क्यूबा का 5 घंटा पीछे, कोस्टारिका का 5 घंटा पीछे। आगे से पीछे के योर जो सही क्रम होगा वो होगा जापान, इराक, ग्रीस, क्यूबा, कोस्टारिका। 13 नंबर है, जब आईएसटी यानी उत्तर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, उस स्थान का देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड क्या है? आईएसटी यानी उत्तर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, उस स्थान का देशांतर है 90 डिग्री वेस्ट। याद रखिएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। प्रधान यामी उत्तर या देशांतर के पूर्व का समय आगे और पश्चिम का समय पीछे रहता है। आईएसटी पर दोपहर और सुबह के 6 बजे अर्थात 6 घंटे में 6 × 60 = 360 मिनट / 4 = 90 डिग्री देशांतर का अंतर आएगा, जो ग्रीनविच प्रधान यामी उत्तर के समय से पीछे अर्थात पश्चिम में स्थित होगा। इसीलिए सुबह 6 बजे की चाय लेने वाला स्थान 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर होगा। ध्यान रखिएगा। 14 नंबर है, ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे सायं को पहुंचा, नगर का देशांतर होगा। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे जो है एक तार भेजा गया, तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे सायं को पहुंचता है, नगर का देशांतर होगा 87 डिग्री पूर्व, यानी आपका बी ऑप्शन। कैसे तो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है। लगभग 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, और इस प्रकार वह 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है और 1 घंटे में 15 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री। याद रखिएगा, ग्रीनविच 0 डिग्री से दोपहर 12 बजे भेजा गया और एक नगर में 6 बजे पहुंचा। 12 मिनट का समय तार संप्रेषित करने में लगा, तो कुल समय 6 घंटे -12 मिनट = 360 मिनट -12 मिनट = 348 मिनट। याद रखिएगा। और अब चूंकि 60 मिनट में पहुंचता है तो 60 मिनट यानी 15 डिग्री पर, और 348 मिनट में पहुंचा तो 348 × 15 = 60 यानी 87 डिग्री पूर्व। 15 नंबर है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो प्रशांत महासागर से होकर, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा होती है जो दो क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। उल्लेखनीय है कि जहां कोई स्थल भाग पड़ता है इसे मोड़ दिया जाता है। 16 नंबर है, कथन ए, तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। कारण आर, तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। देखिए, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ए ऑप्शन। तिथि निर्धारक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। यह रेखा ग्रीनविच रेखा से 180 डिग्री के अंतर से होकर गुजरती है। ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर स्थित होने के कारण ग्रीनविच और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बीच 180 डिग्री देशांतर का अंतर है। 180 × 4 यानी 720 मिनट यानी 12 घंटे का अंतर है। कथन कारण दोनों सत्य है, कथन की सही व्याख्या भी है। प्रश्न संख्या 17 है, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है, इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। इसका सही जवाब है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर, डी ऑप्शन। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को छोड़कर बाकी सभी रेखाएं नियत स्थान से होकर गुजरती है, जबकि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 8 स्थानों पर मोड़ दिया जाता है ताकि एक ही स्थान पर तिथि को लेकर मतभेद की स्थिति न रहे। अलास्का के पास मोड़ दिए जाने पर दो स्थानों के बीच की दूरी घट बढ़ जाती है, अतः ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। 18 नंबर है, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो
जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? तो 6:30 घंटे, 6:30 याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी 180 डिग्री देशांतर एवं भारत के मानक समय यानी 82.5 डिग्री के बीच 97.30 देशांतर का अंतर है, जबकि ग्रीनविच रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर और भारत के मानक समय के बीच यानी 82.5 डिग्री देशांतर का अंतर है। 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर देने से जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर के 12 बजेंगे तो ठीक उसी समय भारतीय मानक समय जो कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से 97.30 देशांतर पर स्थित है, 97.1/2 डिग्री गुणे 4 = 390 मिनट या सुबह के 6:30 बजे का समय होगा। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल मड्डू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? कौन सा एक जल मड्डू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो बेरिंग जल मड्डू मध्य, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रधान मध्यान रेखा या ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर पर अवस्थित है। इसके पूर्व से अथवा पश्चिम से, पूरब से अथवा पश्चिम से 180 डिग्री पर जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होता है स्थित है। पूर्व अथवा पश्चिम में 180 डिग्री के सर्वाधिक निकट का देशांतर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट होगा। विकल्प में दिए गए जल मड्डू मध्यों में लगभग देशांतर का जो निम्नानुसार दिया गया, मलक्का का आप देख सकते हैं 99.32 डिग्री पूर्व देशांतर, बेरिंग का 168.23 डिग्री पश्चिमी देशांतर, फ्लोरिडा का 82.23 डिग्री पश्चिमी देशांतर, जिब्राल्टर का 5.41 डिग्री पश्चिमी देशांतर। बेरिंग जल मड्डू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 20, एक जहाज एल्यूशियन द्वीप समूह के पूर्वी छोर से डच हार्बर की जो डच हार्बर है इसकी ओर जा रहा है। एक जहाज एल्यूशियन द्वीप समूह के पूर्वी छोर से डच हार्बर की ओर जा रहा है। यह 1 जनवरी 1999 को 23:30 में 180 डिग्री याम्योत्तर को पार करता है। याम्योत्तर को पार करने के समय से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद जहाज का कप्तान अपनी डायरी में कौन सा समय और तिथि दर्ज करेगा? तो याद रखिएगा, जो समय और तिथि दर्ज करेगा होगा जनवरी 2 और समय कितना 00:30 बजे, ठीक है। यानी आपका समय क्या होगा 30 मिनट होगा, यानी कह सकते हैं कि 00:30 बजे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर का पूरी तरह जो है अनुसरण नहीं करती है। राजनीतिक और आर्थिक रूप से संबंध क्षेत्रों के जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से संबंध क्षेत्र है इनको एक साथ रखने के लिए इसे कई स्थानों पर जो है 180 डिग्री देशांतर से पृथक किया गया है। संपूर्ण अलास्का क्षेत्र जिसमें एल्यूशियन द्वीप समूह तथा डच हार्बर दोनों आते हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में रखा गया है और इस तिथि के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जहाज के द्वारा पार ही नहीं की जाएगी। 180 डिग्री याम्योत्तर को पार करने के बाद ही दिन वही यानी 1 जनवरी 1999 रहेगा और इसके 1 घंटे बाद जहाज के कप्तान के द्वारा जनवरी यानी 2 जनवरी और मतलब कि 2 जनवरी क्या होगा 00:30 बजे दर्ज किया जाएगा। तो समय याद रखिएगा 30 मिनट दर्ज किया जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार लिखा है। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है सोमवार 10 बजे, ठीक है। 10 जो अंकित करेगा सोमवार 10, कैसे? देखिए, पश्चिम की दिशा में यात्रा करने वाले जहाज के कैप्टन के द्वारा 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार दर्ज किया गया। वह अमेरिका महाद्वीप के आसपास है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर यानी घड़ी के सुई के विपरीत अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है और जहाज पश्चिम की ओर पृथ्वी के घूर्णन की गति से जा रहा है। दोनों की दिशाएं विपरीत है किंतु पृथ्वी के अंदर की वस्तुओं पर घूर्णन की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात 90 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में जहाज को 6 घंटे यानी 90 × 4 = 360 मिनट बराबर 6 घंटे का समय लगेगा, परंतु वह स्थानीय समय अनुसार 6 घंटे पीछे रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर पहुंचने पर वह स्थानीय समय 10 बजे सोमवार ही लिखेगा। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर उसका स्थानीय समय
10 बजे मंगलवार हो जाएगा, ठीक है, एक दिन आगे। 22 नंबर है, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किससे मार्ग बनाना चाहिए। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किससे मार्ग बनाना चाहिए, तो देशांतर को। किसी जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में पहुंचने के लिए यात्रा जो है देशांतर के सापेक्ष करनी चाहिए या करनी होगी। 23 नंबर है, किसी जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 प्रातः है, उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी। बताइए उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका जो सही जवाब होगा 45 डिग्री पूर्व। कैसे, तो देखिए विश्व के 360 देशांतरों को 24 टाइम जोनों यानी 15 15 देशांतर के अंतराल पर विभाजित किया गया है। प्रत्येक टाइम जोन में 1 घंटे का तथा एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। जीएमटी से पूर्व की ओर जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट समय आगे रहता है और पश्चिम की ओर जाने पर प्रत्येक देशांतर पर जो है 4 मिनट समय पीछे रहता है। तो उस स्थान के समय की अगर गणना करनी है तो ग्रीनविच से आगे यानी 6 माइनस 3 यानी 3 घंटे स्थित है। 3 घंटे के देशांतर की गणना इस प्रकार होगी, 3 घंटे यानी 180 मिनट, और इसमें 4 से भागा देंगे तो 45 डिग्री देशांतर आएगा, यह समय ग्रीनविच से आगे है। देशांतर पूर्व होगा इसीलिए उत्तर 45 डिग्री पूर्व देशांतर होगा, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 24 है, निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। बताइए निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है, तो मानक समय सी ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण कृत्रिम रूप से किया गया है। उदाहरणार्थ 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा के रूप में निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया गया है, जबकि उष्ण कटिबंधीय वर्ष चंद्रमास तथा दिवस यानी दिन समय की प्राकृतिक इकाइयां हैं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको किसी भी प्रश्न में या किसी भी टॉपिक में अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और आप लोग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कमेंट भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इसी तरह आप जो है हमारे साथ बने रहिए, और कोई भी डाउट हो कहीं से भी किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रश्न में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग घटना चक्र का पीडीएफ ले लीजिए, नजदीक एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक हो गया है, तो आप पीडीएफ को एक बार पढ़िए। पीडीएफ लेकर जो है आप खुद से उसको एक बार रिविजन डालिए, और इसके बाद आप वीडियो को देखिए ताकि आपका प्रैक्टिस जो होगा बहुत बेहतरीन हो जाएगा। आप लोगों को कम समय में बहुत चीजें अचीव हो जाएगी। तो पहले आप लोग पीडीएफ को पढ़िए, इसके बाद उसके जो वीडियो में जो टॉपिक है उसको आप एनालिसिस करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।